हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग वेगा बोल्ट हेलमेट है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं, उसके फीचर्स, उसका वेट, उसका अप्रूवल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ISI के साथ DOT भी अप्रूव रहेगा, जो ISI के नेक्स्ट अप्रूवल रहता है फॉर सेफ्टी। ये हेलमेट में आउटर ग्लास ट्रांसपेरेंट है, इसके अलावा दो तीन शेड्स और आते हैं जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। टॉप पे एयरवेंट रहेगा, बैक साइड ओपन, फ्रंट क्लोज, सेम एज फ्रंट में एयरवेंट रहेगा, ओपन क्लोज। पीछे स्पॉइलर लुक रहेगा, ये रिमूवेबल रहता है। ये सारी एक्सेसरीज एडिशनली आपको मिल सकती है। इसके जो पैडिंग है, चिक पैड और लाइनर, वो दोनों वॉशेबल रहेंगे और उसको आप निकाल के ऐसे वॉश कर सकते हो। ऐसे बटन सिस्टम रहता है, ऐसे आपको रिमूव कर देना है उसे दोनों साइड से। और ये जो एक्स्ट्रा पैडिंग है, चिक पैड और लाइनर, वो भी एक्स्ट्रा मिलता है। उनका कॉस्ट है अराउंड, चिक पैड इज ₹200, और ये जो लाइनर है उसे ओपन करने के लिए नीचे दो बटन्स है, ऊपर ये तीन क्लिप्स दिखेंगे, ये इसमें से आपको रिमूव करना है। ये आप वॉश भी कर सकते हो सके तो हैंड वॉश करना, सो इसके बटन वगैरह डैमेज ना हो। डन। सो अब देखते हैं वेगा बोल्ट का ग्लास रिमूव कैसे करना है, इनकेस आपको कभी फ्यूचर में व्हाइट के अलावा और कोई ग्लास के शेड चाहिए तो टिंटेड ब्लैक, मर्क्यूरी ब्लू एंड रेड, इतने कलर्स अवेलेबल रहते हैं। ग्लास को पहले ऊपर कर देना है, फिर यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है उसे डाउन क्लिक करना है ऐसे, और ग्लास आपका ऐसे निकल जाएगा। ग्लास के अंदर का जो पाइवोट किट रहता है, इनकेस कभी ये डैमेज हो गया तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। ये पाइवोट किट है, इसका प्राइस रहेगा ₹38, लेफ्ट राइट दोनों साइड का आएगा। ये सिंपली ऐसे निकल जाएगा, स्क्रू बेस्ड ही रहता है, और यहाँ से सुनाना स्क्रू ड्राइवर जो बाद आपको यहाँ से ऐसे थोड़ा ऊपर करना है। सो इस टाइप में रहेगा। फिट करते वक्त ये जो फर्स्ट कॉर्नर है इसको इसमें इंसर्ट करके ऐसे पुश कर देना है और स्क्रू फिट कर देना है। वेगा में सबसे अच्छी बात यह है कि उसके स्पेयर जो है इजीली अवेलेबल रहते हैं और कॉस्टिंग वाइज काफी लो रहता है। लाइक ये जो साइड का पाइवट की 38 हुआ, ग्लास का रेट है टिंटेड और ट्रांसपेरेंट का 215, ब्लू मर्क्यूरी और रेड में जाते हो अगर आप तो वो 260 रहेगा। उसका ये लाइनर और चिक पैड 200 + 200 यानी 400 में आपको नया पैडिंग भी मिल जाएगा। पैडिंग कैसे करना है तो ये जो डाउन क्लिप है, ये जो स्प्रिंग है, इसको डाउन करना है। ग्लास में दो थ्रेड दिए हुए हैं ऊपर और नीचे का, फर्स्ट ऊपर वाला आपको इंसर्ट करना है ऐसे, हाँ, फिर स्प्रिंग नीचे करोगे अपने आप ग्लास बैठ जाएगा। ओके, दोबारा एक बार देख लीजिए, ये ऊपर वाला जो क्लिप है उसको इंसर्ट करना है, स्प्रिंग को डाउन करना है और देन इट्स फिट। ओके, हेलमेट का प्राइस है just 1799, जो प्लेन ब्लैक, मैट ब्लैक, ग्रीन और नॉर्मल बेसिक कलर्स में जो रहेगा। अगर ग्राफिक्स में आप जाते हो तो 1997, उसमें काफी सारे अच्छे ग्राफिक्स ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं। ग्राफिक्स है उसका प्राइस रहेगा 1997। ग्लास के शेड का बात करें तो आपको पहले ट्रांसपेरेंट वाला दिखाया, उसके बाद एक रहेगा ये टिंटेड ब्लैक ग्लास जो कुछ इस तरह का दिखेगा। इसका कॉस्ट रहेगा 215। फिर ये मर्क्यूरी ग्लास है, इसका कॉस्ट है 260, बट नाइट ड्राइविंग के लिए ये कम विजिबल रहता है। उसके अलावा रहेगा इरिडियम रेड जो कुछ इस तरह से दिखेगा, और दूसरा रहेगा इरिडियम ब्लू।
अगर एक्सेसरीज की बात करें तो इसके अलावा आपको ये जो फ्रंट वेंट है और टॉप वेंट वो भी सेपरेट मिल जाएगा, उसका कॉस्ट रहेगा अराउंड 60 रुपीज ओनली। और अगर साइजेस की बात करें तो बोल्ट हेलमेट में मीडियम और लार्ज दो साइज रहेंगे, मीडियम 580 mm और एल साइज में रहेगा 600 mm। तो इसके आपको पैडिंग्स भी दोनों साइज में मिल जाएंगे एक्स्ट्रा।